हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 15 वेव मोशन क्वेश्चन नंबर 11 द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट इट्स टू एंड्स इज गिवन बाय वाई एक्स टी इज इक्वल टू 0.06 साइन 2 पाई अपॉन 3x कॉस 120 पाई टी वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर टी इज इन सेकेंड The length of the string is 1.5 meter and its mass is 3 into 10 to the power minus 2 kg. Now answer the following. Number 1. Does the function represent a traveling or a stationary wave? First part mein kehta hai, this given function. Yahan par hume transverse displacement given hai. Yx t is equal to 0.06 into sine 2 pi upon 3x cos 120 pi t. हमें बताना है दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स ए ट्रेवलिंग और स्टेशनरी वेव्स. हियर द गिवन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू 0.06 साइन 2 पाई अपॉन 3x इनटू कॉस 120 पाई टी. नाउ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्टेशनरी वेव. क्यों? क्योंकि एज इट इन्वॉल्व्स हार्मोनिक फंक्शन ऑफ एक्स एंड टू. दो हार्मोनिक फंक्शन, एक तो दिस साइन एक्स के लिए साइन 2 पाई अपॉन 3x और दूसरा ये टी के लिए कॉस 120 पाई टी. दोनों का प्रोडक्ट, दो साइन फंक्शंस, हार्मोनिक फंक्शंस, दिस साइन एंड कॉस. तो दिस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव. नाउ सेकंड पार्ट, इंटरप्रेट द वेव एज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड वट आर द वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इच वेव. हमें इस पार्ट में ये एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रेट करना है कि दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जब सुपर इम्पोज होती हैं तो स्टेशनरी वेव कैसे बनती है और फिर उसकी वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है इच वेव के लिए. हमें एक्सप्लेन करना है कि जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज होती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स किस तरह से बनती है और फिर उन वेव्स के लिए वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है. लेट वाई वन इज इक्वल टू ए साइन टू पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स. ये हमने सपोज किया फर्स्ट ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पहली ट्रेवलिंग वेव हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल करती है. दिस डिस्प्लेसमेंट वाई वन इज इक्वल टू ए साइन टू पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स एंड दिस वेव सुपर इम्पोज विद सेकेंड ट्रेवलिंग वेव विच इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. देयर फॉर दिस वाई टू इज इक्वल टू दिस माइनस ए साइन टू पाई अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ दिस. फर्स्ट वेव की ये रिफ्लेक्टेड है, देयर फॉर हियर दिस माइनस साइन. फेस चेंज 180 डिग्री से फेस चेंज होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद. स्ट्रिंग टू एंड से हमारी क्या थी, क्लैंप थी, मतलब रिजिड सपोर्ट से ये रिफ्लेक्ट होती है तो इसके फेस में 180 डिग्री का फेस चेंज आता है. देयर फॉर हियर दिस माइनस साइन. नाउ दिस टू वेव सुपर इम्पोज दिस वाई वन प्लस वाई टू. सुपर इम्पोज होने के बाद जो रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव बनती है दैट इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू. दोनों की वैल्यू रखते हैं, ए कॉमन लेते हैं यहाँ पर. देन दिस साइन सी और माइनस साइन डी का फॉर्मूला सॉल्व करने पर दिस वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा इन टू कॉस टू पाई वी टी अपॉन लैम्डा. ये हमारी यहाँ पर स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बनती है. ये दो ट्रेवलिंग वेव थी, वाई वन इज इक्वल टू दिस एंड वाई टू इज इक्वल टू दिस. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और सुपर इम्पोज होती हैं. सुपर इम्पोज होने के बाद स्टेशनरी वेव बनती है एंड दैट स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए साइन टू पाई एक्स अपॉन लैम्डा इन टू कॉस टू पाई वी टी अपॉन लैम्डा. नाउ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करते हैं. ये हमारी गिवन इक्वेशन थी और ये हमारी दोनों वेव्स के सुपर इम्पोज होने के बाद स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन बनती है. दोनों को हम कंपेयर करते हैं यहां पर. ऑन कंपेयरिंग दिस 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 एंड फ्रॉम हियर दिस लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर. कंपेयर करने पर ये लैम्डा की वैल्यू हमें यहां पर 3 मीटर मिलती है. नाउ
2 pi upon lambda into V is equal to 120 pi. 2 pi upon lambda into V is equal to 120 pi. Then pi, this pi cancel and this 60 here. Therefore, this speed V is equal to 60 lambda. On putting the value of lambda here, this 60 into 3 is 180 meter per second. Now, हमें frequency calculate करनी है. You know, frequency nu is equal to V upon lambda. V की value हमारी this 180 और lambda की value हमारी 3. Therefore, this frequency nu is equal to 60 hertz. Second part में हमने question के second part में हमने ये explain किया, interpret किया कि दो waves हैं, दो traveling wave जब opposite direction में move करती हैं और superimpose होती हैं, तो stationary wave बनती है. और फिर उसके बाद हमने given equation और इस equation को compare करने के बाद wavelength की value calculate की, speed of the wave calculate किया and the frequency of wave हमने यहाँ पर calculate की. Now, number 3, determine the tension in the string. स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है. वी नो दैट द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू इसका रूट t अपॉन m. इसका डेरिवेशन हम थ्योरी पार्ट में करते हैं, यहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग के अंदर v इज इक्वल टू इसका रूट t अपॉन m होते हैं. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड v स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन m. देयरफॉर t इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू m. हमने v की स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट की थी 180, तो दिस इज 180 स्क्वायर इनटू m. दिस m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल मास अपॉन द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ टोटल मास इज गिवन 3 इनटू 10 टेन पावर माइनस 2 kg एंड द टोटल लेंथ हमें गिवन थी 1.5 मीटर. देयरफॉर ऑन पुटिंग दीज टू वैल्यूज, नाउ दिस 180 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32400 एंड ऑन सॉल्विंग दिस दिस इज 3 इनटू 10 टेन पावर माइनस 2. नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज t इज इक्वल टू 648 न्यूटन. तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें टेंशन फाइंड करनी थी, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है. तो उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t अपॉन m. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन m. देयरफॉर t इज इक्वल टू दिस. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज देन on solving this T tension in the string is equal to 648 newton. So this is the answer of question. Now please subscribe this channel and press bell icon to get all notifications. In case of any doubt, please write your doubt in comment box and please like and share this video. Thank you.